ये सीन ऐसा है कि जो एक मंत्री की रिलेटिव्स यहाँ पार्लर में आई हुई हैं और उसकी ज्वेलरी तो उन्होंने रखी हुई थी लॉकर में, ड्रॉअर में, तो किसी ने चोरी कर दी। तो मीरा जी है जो अपडेट वर्जन आया हुआ है मीरू जी का, जो वो हमें बताती है प्रोजेक्ट करके कि यहाँ पे चोरी हुई है और एक मर्द ने चोरी की है और वहाँ लेडीज़ पार्लर है और कोई भी मर्द वहाँ नहीं है, तो हम सब कंफ्यूज है क्या करें। तो आधा सच मीरा ने बता दिया है, आधा सच करिश्मा जी एंड हसन मैडम ढूंढ लेंगी। तो वही तफ्तीश चल रही है। नहीं नहीं वो हो जाता है क्योंकि अभी भी हम ढूंढ रहे थे सलून में, तो वहाँ खीरा रखा था, तो फिर हम तो चोर है तो हमने वो चुरा अपना खीरा चुरा लिया और जेब में रख दिया। तो वो मोमेंट डायरेक्टर को और डीओपी को दोनों को पसंद आया, फिर उसको वापस फिल्माया गया तो वह बहुत पसंद आया। फिर आखिरी में पुष्पा जी मुझे माइमली ही पूछती है कि क्या कुछ मिला, तो मैं बोलता नहीं खीरा मिला, वो गलती से निकलता है। तो वहाँ पे पुष्पा जी माँ मुझे मारती है, डांटती है, चलो ये ढूंढने आए थे हम। तो उस तरह से वो कंप्लीट भी हो गया। सो ये कभी कभी मिल जाता है, तो मतलब थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, तो वो अलर्टली आ जाता है। मैम त्यौहार ना बहुत उसके आयाम हैं हमारे इंडियन कल्चर में। त्यौहार तो ये इसलिए है कि लोग इकट्ठा हो जाए, एक दूसरे को मिले, एक दूसरे के बारे में बातचीत हो, कैसे हो, क्या चल रहा है, कुछ अपनी कहानी, कुछ उसकी कहानी सुने, कुछ अपनी बताए, और कुछ गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं त्यौहार के माध्यम से। जैसे कि होली त्यौहार है तो हम कितने भी रूठे हुए हो होली में मिल ही जाते हैं, एक दूसरे को रंग लगा ही देते हैं। तो वैसे ही ये क्रिसमस का है, न्यू ईयर का है। न्यू ईयर तो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होता है, हम एक दूसरे को मिलना जुलना, एक साथ बैठना, खाना पीना। तो 31st में क्या होता है ना, पीने की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो मैं तो कहता हूँ कि खाने की मात्रा ज़्यादा हो, प्यार की मात्रा ज़्यादा हो, मोहब्बत की, मित्रता की मात्रा ज़्यादा हो, तो बहुत बढ़िया होगा। तो ऐसे 31st मनाइए, क्रिसमस मनाइए, एंड सबके लिए मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो प्रिकॉशन तो मुझे लगता है हमें हम सब ने लेनी चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। जो बीमार है वो अपने आप भीड़ से दूर रखे, क्योंकि पता नहीं चलता ना भीड़ में आने के बाद, मतलब जुकाम है, कफ है, वो तो तुम्हें खुद को ही संभालना होगा। तो दूसरों के लिए अभी हमें संभालना होगा, अपने को तो हम संभाल ही रहे, लेकिन भीड़ में जाने से पहले सोचो कि हम तंदुरुस्त हैं, अगर नहीं है तो मास्क लगा के निकलो। तो मैं हूँ अजय जाधव, आप देख रहे हैं ग्लिटर एंड ग्लैमर। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू सो मच।